दिशा कॉल करके बोलती है, ये विशु कोई लड़की के बारे में क्या बोल रहा है, हमको भी नहीं मालूम। और ये कौन सी लड़की के बारे में बात कर रहा है जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला गया था। और मैं भी उसको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप, माय नेम इज एड्रो फ्लो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज, घर पर पूरी की पूरी पलटन आ चुकी है, अलमाज भाजी एंड फैमिली और जिब्रान भाई एंड फैमिली, और कल रात में तो दानिया भाजी और उनके भी पूरे बच्चे आ गए। तो अभी घर पे कम से कम मैं गिन भी नहीं सकता हूँ, मैं गिन के आपको बाद में बताऊँगा, बहुत सारे लोग हैं। कल घर पर एक छोटी मोटी सी दावत थी तो सब आए थे, तो वो दावत तो सब खत्म होने के बाद मैं थोड़ा थक गया था तो मैं सो गया था। और अभी मैं सुबह सुबह उठ गया हूँ, देखा कि मास्क भी उठा हुआ है, तो हम लोग ने ऐसा प्लान किया कि अभी जाते हैं नीचे स्विमिंग पूल में। थोड़ा सा बारिश का मौसम भी बन चुका है, स्विमिंग पूल में रह के थोड़े मज़े करते हैं, फ्रेश होते हैं। ये बिल्डिंग में हम लोग जब से मूव हुए, मैं ये बिल्डिंग के स्विमिंग पूल में कभी गया नहीं हूँ। माँ, बच्चे लोग, जिब्रान भाई, पापा सब जाके आ चुके, तो मैं बोर हो ही रहा था, तो मैं सोचा क्यों ना थोड़ा पूल के मज़े लिया जाए। तो फिर मैं फट से चेंज करता हूँ और नीचे जाते हैं, थोड़ा सा स्विमिंग करके आते हैं। क्यों नहीं आ रहा? ये नहीं आ रहा है, क्यों उठा तू इतनी सुबह? तो ये पीएस खेल रहा है, हम लोग जा रहे हैं स्विमिंग करने। पानी ठंडा रहेगा क्या? हाँ, बारिश हुई थी ना, पानी तो ठंडा रहने वाला है। गर्मी में आना चाहिए अपने को दोपहर में। अपन कितने बज रहे अभी, टाइम क्या हो रहा है? 7। तो वह सुबह के 7 बज रहे और 7 बजे हम लोग स्विमिंग पूल में जा रहे हैं। नो प्लान है, एकदम क्विक प्लान बना था अचानक से। अचानक से हम लोग का प्लान बना, चलो स्विमिंग करके आते। और स्विमिंग पूल में कोई भी नहीं, हम लोग ही है सर। पहले तू कूदेगा, आए तो करो। कोई आया नहीं स्विमिंग करने? कोई नहीं आया, हम लोग ही आए बस। चलो सही है, जा 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 जा। ठंडा है, क्या बात कर रहा है, ठंडा है बहुत। अरे वाह, कसम मैं नहीं आ रहा, तू कर। फन फैक्ट बताता हूँ, आप लोगों को याद होगा तो हम लोग का जो थर्ड वाला आर्टिस्ट हाउस था, हम लोगों ने इससे पहले 2 आर्टिस्ट हाउस चेंज किए थे। जो थर्ड वाला था, मैं एक क्लिप डाल दूंगा, आप लोगों को समझेगा मैं कौन से वाले की बात कर रहा हूँ। वो था ये बिल्डिंग में 14th फ्लोर पे, और हम लोग जब यहाँ रहते थे, जब ये वाले घर का काम चालू था, और मैं हमेशा वहाँ से उतर के यहाँ पे आता था, घर देखता था कितना काम हुआ है, क्या प्रोग्रेस हुआ है। और हम लोग ये वाले घर पे जब शिफ्ट होके कुछ 15 दिन हुआ रहेगा, 15 दिन में हम लोग ने ये वाला घर खाली कर दिया, ये वाला आर्टिस्ट हाउस। हमें इतनी गाली देता था ऋषि विशाल को कि साला इतनी करीब में आ चुका आर्टिस्ट हाउस के, मेरे को इतना ईजी होता है आना जाना, और वापस हम लोग घर बदल रहे। तो ये शायद बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा कि ये हम लोग का वो वाला आर्टिस्ट हाउस था, 14th फ्लोर पे हम लोग रहते थे ऊपर, और वहाँ से मैं अपना बिल्डिंग भी देख सकता था। और ये चीज़ इसको भी नहीं मालूम थी। तू आया कभी आर्टिस्ट हाउस में? कभी नहीं आया, क्या बात कर रहा है। आर्टिस्ट हाउस में जिब्रान भाई, रियान भाई, ये वाले में भी सब आ चुके, तू क्यों नहीं आ रहे? मगर मैं था नहीं ना, तो मैं सऊदी में था। हाँ, ये सऊदी में था। तो ये इसको भी हम लोग को देख के चुल काटी, और ये भी आ गया। आ जा, एक आ जा, चल कूद, इधर कूद, इधर आ जा ना, अबे जल्दी कूद साले, नाम मत खराब कर। फेंक दे उसको, उठा के फेंक दे बीच में। अरे नहीं, फेंक दे साले। अरे नहीं। नहीं प्लीज नहीं, आजा सर पे बैठ, मेरे बैठेगा नहीं, रुक जाओ, ट्यूब दे दो। अरे नहीं अदनान मामा।
छोड़ू क्या? नहीं डुबा दे साले को। नहीं अरे मेरे गंदे पे आना, गंदे पे आ। देखो मालूम है इब्राहिम, तूने गलती कर दी हमारे साथ आगे पानी में, अब देख क्या करेंगे तेरे साथ। अरे नहीं ना, टाइट पकड़ा। छोटे वाले में सुबह सुबह राउंड मारने के लिए निकले थे मैं जिब्राल्टर मार्स में एनिमल 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 लग रहा है भाई मेरा दोस्त। और आई होप आपको आवाज आ ही रही है क्योंकि हवा इतनी चल रही है कि आवाज का थोड़ा क्या हो गया, क्या हुआ? गाइस तो जैसा आप लोग ने देखा रहेगा कि मैं स्विमिंग पूल गया था मास के साथ टाइम पास करने के लिए, क्योंकि मैं सुबह सुबह उठ गया था, कुछ करने के लिए था नहीं खास, तो हम लोग स्विमिंग करे। उसके बाद जो मेरी हालत हुई है, दो दिन, आज मेरा दूसरा दिन है उस दिन के बाद से, मैं तड़प रहा हूँ सिर्फ। मेरी तबीयत की वाट लग चुकी थी, पेट एक्चुअली खराब हो गया था, पता नहीं वो स्विमिंग पूल की वजह से था कि कुछ खाने में ऊपर नीचे हो गया, तो उस वजह से। कौन है भाई ये, कौन बोल रहा है? दो दिन से मिला भी नहीं बोल। कोई कोई तो बोल रहा है भाई, वीडियो पे कमेंट कर रहा है भगवान की दया वाला, क्या करूं। अरे भाई कौन है आप लोग को दिख रहा है, कौन है ये मिलता नहीं है मेरे से, अवॉइड कर रहा है मेरे को ये। अरे भाई ये बिजी हो गया, इसका भाई यार तबीयत भी खराब हो गई, मैं क्या करूं। नहीं अरे बाकी अपन मिलते तो है, दो दिन ही तो नहीं मिले, दो दिन नहीं मिले हम लोग। मैंने एक वीडियो डाला उसमें दो दिन भी नहीं, एक दिन नहीं मिले, कल का दिन नहीं मिला, कल का दिन नहीं मिले, परसों मिले, एक दिन के गैप में हम लोग मिलते रहते। हाँ तो हम लोग मिल रहे हैं, बाकी ऐसा क्या व्लॉग वॉग नहीं आ रहे, तो क्या कमेंट कर रहे हो आप लोग, क्या कमेंट किए? अदनान का है, अदनान क्यों नहीं है वीडियो में, कहाँ से लाऊं उसको, नहीं है साथ में। अदनान वीडियो में नहीं रहेगा, बट हमेशा साथ में तो रहेगा, दिल में और साथ में हमेशा रहेगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं। और ठीक है, इसको आज यही बैठा था, तबीयत खराब है, मैं बोला भाई व्लॉग शॉक बना, पब्लिक मिस कर रही है तेरे को, तो मैं थोड़ा सा भी कैमरा निकाल के। अभी गाइस कहना कल वेंसडे, तो मेरे को इसको वेंसडे को लाइव होना चाहिए, इसका वेंसडे और सैटरडे दिन था, दो वीडियो का, मेरा थर्सडे और संडे था, तो वो अगर फॉलो करेंगे तो हफ्ते में आपको चार वीडियो मिलेंगे कि नहीं। सही बात, विशाल को सपोर्ट भी करना, विशाल को यार मेन सपोर्ट करना, विशाल को सपोर्ट हम लोग बैक एंड पे तो कर ही जा रहे हैं जितना हो सक रहा है हम लोग से। वो 100 बार वोट किया मैंने, कभी जिंदगी में किसी के लिए नहीं किया हूँ मैंने भाई, जिब्रान भाई और मैं बैठे ऐसा फोन लेके टक 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 भाई, बाकी वो 100 के बाद भी हो ही रहा था, मतलब वो होता है बट काउंट शायद 99 होता है ऐसा मैं सुना हूँ, अब पता नहीं, बट यही है। अब हम लोग उसका बिग बॉस भी देख रहे हैं, लाइव भी देख रहे हैं पूरा टाइम, और ये भी देख रहे हैं, उसमें हमारा भी काम रह जा रहा है थोड़ा सा। आज दिशा कॉल की मुझे, दिशा कॉल करके बोलती है ये विशु कोई लड़की के बारे में क्या बोल रहा है, वो भी नहीं मालूम, और ये कौन सी लड़की के बारे में बात कर रहा है जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला गया था। मैंने एक्चुअली वो लाइव देखा नहीं, दिशा ने मुझे कॉल करके बोला, तो वो एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता वो क्या बोल रहा था, तो भाई छुपा रुस्तम निकला, मैं क्या बोलता था, आने देना देखते क्या बात, हाँ आने के बाद ही बताना भाई, तेरा सब पता है हमको, तू बता अब क्या है। हमारी भी कुछ बात कर रहा था शायद, पता नहीं हमको दिशा बता रही थी, हाँ कुछ बोल रहा था कि अरे तुम लोग की बात कर, दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ये लोग वो लोग हैं जो मैं कुछ नहीं भी था ना, जैसे वो लोग ऐसे लोग हैं जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, वो लोग तब भी मेरे साथ, हम लोग तीन का ग्रुप बोलते हैं ना वैसे थे, एक स्कूटी पे घूमना, और आज मेरे पास सब कुछ है तो फिर भी हम लोग साथ में, जब मेरे पास कुछ नहीं था तो ये लोग थे, तो अब मुझे तब भी डिजर्व करता है और मैं इन लोगों को तब भी डिजर्व करता हूँ। ओ तेरे जैसा यार कितने हो, आपने देखा रहेगा तो क्लिप्स भेजो आप, हाँ अगर रिकॉर्ड किया तो हम लोग मिस कर दिए, उन दोनों को इंस्टा इंस्टा पे भेजो, वो अगर कुछ बोला ऐसा है तो भेजो। बाकी अभी हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे, बातचीत कर रहे थे, जिंदगी की लाइफ टॉक्स कर रहे थे, और घूमते घूमते अभी हम लोग हमारे एक चाहने वाले के पास आए मिलने के लिए, पुरानी बिल्डिंग, यहाँ पे यहाँ की तेरे को मेमोरीज मालूम है, एक तो लॉकडाउन में इसका महामारी हो रहा है, मेरा यहाँ पे झगड़ा हो चुका है ऋषि का, यहाँ पे टांग टूट चुका है, अरे हाँ भाई बहुत मनुष्य बिल्डिंग है, बहुत मनुष्य बिल्डिंग, मेरा यहाँ पे दो तीन बार बड़ा बड़ा झगड़ा हो गया है, तो अभी हम लोग मुब्बा से मिलने आए, मुब्बा के साथ थोड़ा टाइम पास करेंगे, फिर मैं आप लोग को घर पे मिलता हूँ, तब तक सपोर्ट करते रहो विशाल को भी और हमको भी करो, ये समझो कि हमको ही सपोर्ट कर रहे हो, हमको उसको सबको साथ में सपोर्ट करो, यस। Guys, good morning.
और पिछले कई दिनों से हमारे घर पे एकदम एक युद्ध चल रही है दो लोगों के बीच में। एक तो है रेहान भाई और एक आज का विनर हूँ और एक है जुबरान भाई। और ये दोनों ऐसा लड़ते हैं ना भाई, क्या बताऊं मैं। और अभी अभी क्या हालचाल है मास? ये बाकी के दो पिछले मैच से जीते थे रेहान भाई, लेकिन अभी थोड़ा टफ चल रही है। ओके, तो भाई हमारे घर पे फीफा नाइट्स होते रहते हैं, तुलसी हम लोग सबका ये फीफा नाइट्स तो चालू है। कौन जीता भाई, कौन जीता? विनर एज यूजुअल, आई एम द विनर एज यूजुअल, याद रखना। अभी टिंग टोंग बज रहा है, अगर तू जेन्युइन है, बज गई घंटी, अगर तू जेन्युइन है, फाइनल है। अरे एक मैच जीता है, गेम जीता, बेस्ट ऑफ भाई, ये भूल गए लोग इतना कुछ नहीं, बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑफ थ्री, बेस्ट ऑफ वाली टीम ऐसी होती। अगर तू जेन्युइन है, अगर तेरे अंदर इतना हारा के गिनती दम है, तेरे अंदर दम है तो अच्छी बात है, इसको बर्दाश्त है। नहीं इसको हारना, अगर इसके अंदर दम है तो फाइनल आ जाए। अरे अभी तो हरा दिया दो सीरीज भाई, एक तू जीत, अरे दो सीरीज कहां से, बैक टू बैक दो मैच। अरे भाई ये पहली मैच की सीरीज की, और मैं भी उसको ओपन चैलेंज कर रहा हूं इसको। तो भाई तुम लोग का युद्ध तुम लोग खुद डिसाइड करो। मेरे को ये बताओ कि विशाल के बारे में आप लोगों की क्या टिप्पणी है? विशाल ही जीते, अच्छा कर रहा है वो, और अच्छा करेगा। लोग उस पे थोड़ा हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो डट के खड़ा है। कुछ नहीं, मिरर उठ गया, हम लोग का दोस्त है, वही जीतेगा। वही जीतेगा। क्या बोलना है विशाल को? मेरे को ये बोलना है कि स्ट्रांग रहे। एक्चुअली वो जो ग्रुप बना है ना अरमान का, वो पूरा एक साथ उसके ऊपर झुंड में आ रहा है। अगर अगर किसी की भी लड़ाई होती है ना, मैं देखा हूँ कि सब बीच में जाके ना छुड़ाते हैं, लेकिन जब विशाल की लड़ाई होती है ना, तो इवन जो सो कॉल्ड उसका जो खास कटारिया, वो भी साइड में चुपचाप खड़ा रहता है। और विशाल वन मैन शो लड़ता रहता है, लड़ रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। विशाल को मोर पावर हम लोग पूरे दोस्तों की तरफ से, और इंशाल्लाह विशाल मचा के आएगा। क्या बात है, क्या बात है। तू कुछ बोलेगा? विशाल भाई जीतेंगे। क्या? विशाल भाई जीतेंगे। तो गाइस आई होप कि वीडियो अच्छा लगा, अगर सब्सक्राइब लाइक कर दो, नहीं सो डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट मत करना। फिर मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। गाड़ी गलत पे आ गई है।